अरे अंधी बहरी सुअर गई की गूंगी। सॉरी गाइस, थोड़ा हद से बाहर निकल गया। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू तरकता भरकता गेम प्ले वीडियो पे, जिसमें हम चींटियों की दुनिया में आ पहुंचे हैं। अब देखो, हम चींटियों की मदद नहीं करेंगे, हम चींटियों की बैंड बजाएंगे। अपना काम ही ऐसा है कि बैंड बजाने का है, तो हम बैंड ही बजाएंगे ना। वैसे देखो यार, हमने कभी चींटियों की लाइफ रियल लाइफ में देखी नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम इतना छोटा नहीं बन सकते ना। तो ये देखो, चींटी हमारे सामने अंडा दे रही है। वैसे ये हमारी रानी है, हम इसका अंडा चुरा के भाग जाते हैं इधर से। ये हरामी वाले ही काम करते हैं वैसे भी। चलो इधर से उठाते हैं इसका अंडा। अरे भैंस की, इतनी सारी चींटी आ गई, भागो रे, ये साला मेरे को पकड़ डाले, बाहर की ओर निकल जाता हूँ भाई। इनका मैं भरोसा नहीं कर सकता, ये साले मेरे पिछवाड़े पे बटका भर सकते हैं। यार छोड़ो बटका, ऊपर क्या भाई, अबे ऊपर मॉन्स्टर है भाई, कितना बड़ा। ये मेरे को मकड़ा जैसा लगा भाई, पता नहीं क्या ही हो सकता है। वैसे मेरे को फिर से अंडा उठा के लेके जाना है इधर से। अबे उठ जा, तेरी भैंस की, ये इतना बड़ा कैसे हुआ बे? बे साला इतना बड़ा हो गया। अबे मेरे को डर लग रहा है भाई, इसके अंदर भूत वूत तो नहीं है ना? वैसे यार चींटी के अंडे से तो चींटी निकलेगी, बट मेरे को नहीं पता इसको कैसे बाहर निकालना है। ऐसे काट के निकालेंगे क्या? नहीं निकल रही भाई। यार अंडे को उठाते हैं इधर से। अबे उठ जा भाई, चलो ऊपर की ओर लेके चलते हैं। यार सामने से भाई साहब देख रहे हो कैसे काम कर रही है। अबे इनके अंदर भी टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है। वैसे वो इनके दांतों वाली टेक्नोलॉजी, इनके पास वो बढ़िया वाली टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हम इंसानों के पास है। वो सामने की ओर देख रहे हो, अबे इतना बड़ा मकड़ा है। अगर ये मकड़ा रियल लाइफ में अगर हमारी लाइफ में आ जाए ना भाई, तो हमारी अम्मा बहन एक कर दे। अब तुम लोगों को मैं ये नहीं बता सकता ये कैसे आया होगा इस गेम के, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता ना, मैं तो बस डाउनलोड किया खेल रहा हूँ। वैसे मानना पड़ेगा गेम वालों का बहुत बड़ा है, मतलब ये जानवर जो कि इनके अंदर पाल रखा है। वैसे मेरे को नहीं पता क्यों पाल रखा है इतना बड़ा बड़ा, क्योंकि यार इसको देख के हमारी फट रही है, आंखें फट के बाहर आ रही है। वैसे भी चींटियों की पता नहीं कितनी कितनी आंखें होती है। वैसे मैं कितना बड़ा दिख रहा हूँ ना इसके अंदर, इतना बड़ा चींटा। रियल लाइफ में तो अपने सामने इतनी इतनी होती है चींटियाँ। वैसे ये बकरी मेरे को मार सकती है क्या? आई डोंट नो यार, मैं इसके पास जाऊँगा तो शायद मेरी अम्मा वैनिक कर देगी। मैं इसका पीछा करूँगा, बट होल्ले होल्ले करूँगा भाई। अटैक कर सकती है मेरे पे? ए मकड़ी, तेरे से डरता हूँ क्या मैं? पीछे देख ओए, अबे देखना, ए सुअर या पिच्छू देख तेरी भैंस की। अबे इसके अंदर कैसे घुस गया मैं? साला गिलीच हो रहा है अबे मेरे साथ, क्या हो रहा है भाई? ये मकड़ी मेरे को देख ही नहीं रही है, मेरे पास से एक जीटी गई अभी जस्ट। अरे भाई साहब किधर जा रही है? अरे इसकी भैंस का भाई, सामने एक मकड़ी मरी पड़ी है यार, इसने मारा क्या इसको? इसकी भैंस की मैं नहीं छोड़ने वाला। अबे सामने बेंच उड़ रही है चींटियां भी। अबे चींटी नहीं, ये तो हनी बीन से, ये मधुमक्खी है भाई। ए मधुमक्खी पीछे देखो, तुम लोगों के सामने कौन खड़ा है? मैं अबे पीछे खड़ा हूँ, सामने क्या, इधर क्या है भाई? ये एप्पल का टुकड़ा है। अबे इधर इतने सारे एप्पल किसने फेंके होंगे बे? और देख रहे हो भाई, यार इसने बकरी को मार दिया, इतनी बड़ी बकरी को। यार मेरे को नहीं पता भाई कहीं से मारा होगा, बट यार देखो इन चीज़ों में हमको लफड़ा में, मतलब इन लफड़ों में पड़ना ही नहीं है अपने को, क्योंकि हम इनके बीच में ये क्या है भाई? अबे इतना बड़ा बिच्छू, इसकी भैंस की ये काट लेगा तो फिर बंदा बचेगा ही नहीं भाई। वैसे ये दोनों दोस्त है क्या? अबे दोनों के अंदर भाईचारा है भाई, यार भाईचारा ऑन टॉप है इनके अंदर तो। भाई साहब एक दूसरे पर हमला ही नहीं कर रहे यार। अगर मैं इनमें से एक से भी भिड़ूंगा ना, तो ये दोनों मेरी अम्मा बहन एक कर देंगे यार। आई डोंट नो यार, मैं इससे क्यों ही भिड़ूंगा, मेरे का मन तो कर रहा है इनसे भिड़ने का, बट यार ये मेरे पे हमला कर सकते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा इनके पास। अबे इधर एक मधुमक्खी अकेली, इससे भिड़ूंगा। हाँ तेरी भैंस की है मधुमक्खी, तेरी भैंस की। अबे क्या कर गया, मुँह पे बटका मार रही है, डंका मार रही है, बटका क्या मार रही है? खा लूँगा साली तेरे को, मर जा, ए मर जा, ये तेरी भैंस की, मरना। ये गई, टपक गई भाई, बढ़िया है यार, मतलब ज़मीन के अंदर चले जाता है, इधर ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है, क्योंकि अच्छा है ना यार, सीधा ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो मेरे को नहीं पता भाई ये अंदर क्या कर रही है अभी। अबे मैं इसको काट के इसका खाना भी खा सकता हूँ बे, प्योर एनर्जी। अबे मेरा एनर्जी डाउन हो चुका यार, अबे क्या करूँ भाई, मैं इतना होले होले चल रहा हूँ भाई, मेरे को कहीं पे पहुँचना पड़ेगा यार। सामने की ओर ये मकड़ी मरी पड़ी है, शायद इससे मेरे को खाना मिल जाए, ट्राई करता हूँ इसके पास जाके। वह भाई क्या ही होएगा मेरा, अच्छा तो मैं इससे खाना ले सकता हूँ, ओके
खाना तो ले लिया, बट इसको खाना कैसे? अच्छा इधर ईट वाला ऑप्शन आ रहा है तो खा लेते हैं भाई। वैसे भी देखो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, हमारा काम भी ऐसा ही होता है कि हम पहले पेट पूजा ही करते हैं, क्योंकि जब अपना पेट भरा पड़ा रहेगा तभी तो हम लोगों से लड़ पाएंगे ना। वैसे भी इसके अंदर बहुत बड़े बड़े हैं मतलब जानवर। अभी देखो इन लोगों की अम्मा बहन हमको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यार देखो ऐसे नहीं चल सकता कि हम अकेले इनसे डर के इधर घूमें। वैसे मेरे को जाना किधर है भाई, मैं रास्ता भूल गया यार। ये चींटियाँ अपना रास्ता ढूंढती कैसे है बे? मैं चलता रहता हूँ भाई, किधर तो रास्ता मिलेगा ही ना। अरे भाई साहब नीचे की ओर तो पता नहीं क्या ही है, मैं इन पेड़ों के आर पार कैसे निकल रहा हूँ भाई? ये साला गिलिच है यार, ये गेम में इतना बढ़िया मतलब नहीं दिया हमको अच्छा क्वालिटी। सामने की ओर क्या है भाई, ये संतरे का है क्या? हाँ भाई संतरा ही है भाई। अच्छा तो मैंने उसका एक टुकड़ा उठा लिया है क्या? ये अपना मुंडी नीचे झुका के चल रहा है अकॉर्डिंग टू उस मतलब मेरे को ऐसा ही लग रहा है भाई, इसने उधर से कुछ उठाया है। अच्छा तो मैं अपने घर में जा रहा हूँ, पहले एक काम करता हूँ। ये देखो मेरे को घर मिल चुका है तो मैं घर पे जाता हूँ एंड फिर उधर जाके ये लाइट बंद चालू कैसे हो रहा है? अब इधर से ये अब तेरी भैंस की मेरी जितनी बड़ी। अच्छा अंदर जाता हूँ और मैं उस मकड़ी को बोलूँ मतलब उस चींटी को बोलूँगा, चींटी इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियों से तुम छुप के इधर बैठी हो, जाके उनसे लड़ो ना, बेंच इधर क्या छुप के बैठी है। अच्छा मेरे को इधर खाना डालना है, खाना तो डाला बट यार मेरे को नहीं लगता यार ये खाना इस काम का है, तो इधर से उठाता हूँ एंड इसको खिलाना है क्या? खाएगी क्या? अबे खाएगी क्या खाना यार, क्या कैसी रानी है बेंचो, खाना खिला रहा हूँ और खा ही नहीं रही, ये क्या है भाई? अच्छा तो इधर से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, अभी मैंने इसको बोला है मेरे को चुगदा ये चींटियाँ चाहिए, तो ये क्या करेगी ना मेरे को चुगदा चींटियाँ देगी, 14 चींटियाँ मतलब चुगदा चींटियाँ 14 तो देगी ना, क्योंकि अपने को ज़रूरत है यार, देगी ना। अबे देगी कि नहीं देगी बोल तो जा, लेकिन नहीं बोलने वाली भाई साहब, ये नहीं बोलने वाली। अंडे दिए जा रही है बस, अंडे देती रहिए। एक काम करता हूँ इसका अंडा चुरा के भाग जाता हूँ इधर से। उठना अंडे तेरी भैंस की, उठ जा भाई। अबे अंडे तेरी बहन की, साले उठ ही नहीं रहा भाई। अबे तेल लगा दिया क्या ऊपर जो मुँह से पिसल के नीचे गिर जा रहा है, नहीं उठ रहा भाई। लगता है अपने को परमिशन ही नहीं है अभी उठाने की, क्योंकि मैं इसका एक अंडा लेके भाग गया था ना, मतलब इतना आरामी नहीं हूँ जो मैं उसको लेके जाता, बट यार सोचा था कि बाहर लेके जाऊँगा और उसका कुछ बना दूँगा। यार छोड़ो इनका खाना अपन खा लेते हैं, क्योंकि यार ये साले लोग कुछ करने तो वाले हैं नहीं, ये इधर खाना इकट्ठा करने वाले हैं और पता नहीं अपने कौन से सीजन में खाएंगे। वैसे तुम देख रहे हो भाई चींटियों की लाइफ कितनी मुश्किल होती है यार, ये यही काम करती रहती है और हर टाइम खाना इकट्ठा करती रहती है और पता नहीं भाई ये खाती कब है, क्योंकि यार देख रहे हो ना कब से हम गेम खेल रहे हैं तब से ये चींटियाँ बस इधर से इधर खाना लाए जा रही है और जितनी भी है ये बस यही काम किए जा रही है। तो मेरे को नहीं पता भाई ये कैसी लाइफ है, ऐसी लाइफ से तो अच्छा है कि ये हमारी मनुष्य लाइफ ही ठीक है मतलब इंसान वाली, क्योंकि इसके अंदर खाओ पियो सो एंड कुछ काम भी करना पड़ता है, वरना मम्मी की चप्पल उड़ के आती है एंड रैप्टे ही रैप्टे धर देते हैं। बट आज के लिए इतना ही, वैसे देखो चींटियों की लाइफ देख के तुमको मेरे को नहीं पता कैसा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।